बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी बोले, एनडीए को हराने के लिए हमें देनी पड़ी कुछ सीटों की कुर्बानी। बिहार के महागठबंधन में पहली दरार, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के फॉर्मूले का ऐलान हुआ उसी से उठकर चले गए वीआईपी के नेता। सीट बंटवारे पर जदयू बीजेपी के बीच 4 घंटे तक चली बैठक, नहीं बनी बात, आज फिर से चर्चा होगी। चिराग पासवान ने पीएम मोदी संग फोटो ट्वीट किया, कहा हर कीमत पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लागू करेंगे। आखिर में आर्मेनिया पर जमकर रॉकेट बरसा रहा अजरबैजान, नारगोनो काराबाख के कई इलाकों पर किया कब्जा। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तेज प्रताप चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे, मां राबी देवी अपने साथ घर ले गई। रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल भागे बेटे चिराग पासवान। संसदीय बोर्ड की निर्णायक फैसले वाली मीटिंग फिलहाल टली। तेजस्वी ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया एक और झटका, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भरत बृंद को दिलाई आरजेडी की सदस्यता। एम्स के फॉरेंसिक हेड बोले, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया है, हत्या नहीं हुई। अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। महागठबंधन में शनिवार शाम को सीटों के बंटवारे की घोषणा हो गई है। राजद ने अपने लिए 144 सीटें रखी, इसमें से वह वीआईपी और जेएमएम को भी हिस्सा देगी। कांग्रेस की मांग पूरी हुई, उसे विधानसभा की 70 सीटें देने के साथ ही वाल्मीकि नगर में होने वाली लोकसभा के उपचुनाव का भी टिकट दिया जाएगा। इसी तरह भाकपा को 6, माकपा को 4 और भाकपा माले को 19 सीट दी गई है। तेजस्वी के सीट बंटवारे की घोषणा करते ही वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के समर्थक तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा है कि हम 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद दिए जाने की मांग के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन हमारी पीठ में छोड़ा भोंका गया है। इसके बाद सहनी वहां से उठकर चले गए। इस दौरान सहनी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पटना में बीजेपी और जदयू नेताओं के बीच 4 घंटे तक बैठक चली, लेकिन खबरों की माने तो दोनों पार्टियों में बात नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों पार्टियों ने बातचीत को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है, रविवार को फिर नए सिरे से बात होगी। शनिवार शाम को चिराग पासवान ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीर को साझा की। यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर लोजपा ने 4 लाख बिहारियों को सुझाव पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 तैयार किया है, जिसे हर कीमत पर हम लागू करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना आशीर्वाद देंगे ताकि मेरे सभी प्रत्याशी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत कर सके। तेज प्रताप यादव की तबीयत शनिवार को दोपहर अचानक बिगड़ गई। तेज प्रताप चक्कर खाकर जमीन पर गिरे और तड़पने लगे। उनके साथ रह रहे लोगों ने इसकी सूचना मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को दी। बड़े बेटे के तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव 2M स्टैंड रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचे। कार से उतरते ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दौड़ते हुए तेज प्रताप के कमरे में पहुंचे। इसके बाद राबड़ी देवी उन्हें अपने साथ 10 सेकुलर रोड स्थित आवास ले गई। लोजपा संसदीय बोर्ड की दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल टल गई है। इसकी वजह केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत का बिगड़ना बताया जा रहा है। उनके बेटे व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिता को देखने अस्पताल चले गए। आपको बता दें कि लोजपा संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला होना था कि पार्टी एनडीए में रहे या अपनी राह अलग कर ले। रालोसपा और भाजपा गठबंधन को राजद ने एक और बड़ा झटका दिया है। रालोसपा के कई नेताओं के बाद शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बृंद भी राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। भाजपा के लिए इसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। चुनाव के दौरान नियमों का पालन नहीं करने के कारण चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बिहार के 27 लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जिन 27 लोगों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, इनमें गायाघाट के रघुनाथ प्रसाद सिंह, हथुआ के संजय मौर्य और फारूक खान, कुम्हरार के सुबोध कुमार, हायाघाट से मोहम्मद अरशद और
राम सखा पासवान, कुशेश्वर स्थान से तुरंती सदा बेनीपुर से ताराकांत झा, बेनीपुर से जितेंद्र पासवान और अनंत कुमार शामिल हैं। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान हवेली खड़गपुर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया है कि मुंडेरी गांव में छापेमारी के दौरान 9 MM की एक कार्बाइन समेत काफी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार आ रही अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को फ्लाइंग स्क्वाड में रखा गया है। ये कंपनी कहीं भी और कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जरूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल किया जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई के पास जमा कर दी है। इस फॉरेंसिक टीम ने अपनी आखिरी और फाइनल रिपोर्ट में बताया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या के कारण हुई है। एम्स के एक्सपर्ट पैनल के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत का गला दबाकर मारे जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के हथरस पहुंचे। मौके पर मीडिया और सुरक्षा कर्मियों के अलावा स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा रही। भीड़ की वजह से राहुल और प्रियंका बंद कमरे में पीड़ित के परिजनों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अटल टनल रोहतांग देश को समर्पित कर दी। इसके बाद रोहतांग सुरंग से सफर कर दूसरे छोर तक लाहौल स्पीति जिला के सिसु में पहुंचे, जहां पीएम ने स्की विलेज के मॉडल को देखा। पीएम मोदी ने सिसु में जनसभा में कहा है कि सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक अलगाववाद से लड़ने का ऐलान किया। मैक्रों ने इसे फ्रांस में मुस्लिम समुदाय में इसे फैलाने का इससे खतरा बताया। मैक्रों का कहना है कि एक बिल अगले साल की शुरुआत में संसद में भेजा जाएगा, जिसमें इस्लामिक अलगाववाद से निपटने का प्रावधान होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। तुर्की और इजराइल के हथियारों की बदौलत अजरबैजान की सेना ने नारगुनो काराबाख के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाने का दावा किया है। इस युद्ध में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं। उधर रूस और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों बिना शर्त तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।